एकता, बाबा को क्या हुआ देखो। बाबा, बाबा क्या हुआ? बाबा, बाबा को हॉस्पिटल लेके जाना। बाबा, बाबा, बाबा को क्या हुआ? जोर से और जोर से। सच्चाई है कि देश के लिए कड़ी मेहनत करके अन्न उत्पन्न करने वाला किसान आज खुद अन्न के दाने दाने के लिए मोहताज है। आज किसान कहीं सूखा पड़ने से। ए रुक, किधर, किसे मिलना है? भैया इंटर्न सिर्फ दो हफ्ते के लिए आया। आईडी किधर है? आईडी दिखनी, एंट्री कर। रोज रोज आना होता है। कहाँ से आए हो? धर्मपुर गया था सीट्स लाने के लिए। अच्छा, रुक रुक, किधर जा रहे हो? थर्ड फ्लोर पे एकता मैडम से मिलने जा रहा हूँ। ये पैकेट उनको दे देना। मैम ये रहे सीट्स के पैकेट। सिचुएशन कैसी है? मैम सिचुएशन तो बहुत खराब है मैम। पिछले एक साल में 250 किसानों ने सुसाइड किया है। चला तुझे सीड टेस्टिंग सिखाती हूँ। जी मैम। ऋषि इसे स्ट्रिप टेस्ट कहते हैं। मैम ऋषि। जी मैम। ये स्ट्रिप अगर रेड हो जाए ना तो इसका मतलब ये हर्बिसाइड टॉलरेंट या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं। अच्छा मैम, मैम, मैम इसका कलर आना स्टार्ट हो रहा है, देखो। ओह माय गॉड, ये तो हर्बिसाइड टॉलरेंट सीड्स हैं। ये तो इंडिया में बैन है, किसानों तक कैसे पहुंच गए ये? हर्बिसाइड टॉलरेंस मैम मैं कुछ समझा नहीं। Give it to accounts department. सर यहाँ से लेके यहाँ तक सारी लैंड फर्टाइल है। अगर हमें ये जमीन मिल जाए तो सीड्स की टेस्टिंग हम यहाँ कर सकते हैं। गांव का मॉडल कहाँ है? जी इस तरफ। हमें लगता है इस वक्त गांव के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। Excuse क्या me, पता sir? शायद कुछ मिल जाए। सर ये धर्मपुर गांव के सीड टेस्ट की रिपोर्ट है। सर पैकेट पर बीटी सीड्स लिखा है पर ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है जो कि मिट्टी को पूरी तरह से अनफर्टाइल कर सकते हैं। सर इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन अभी तक नहीं दी है। इनके रिसर्च और अप्रूवल्स अभी तक पेंडिंग है। गुड वर्क। मेल मी दी डिटेल रिपोर्ट, आई विल सेंड इट टू सेंट्रल ऑफिस फॉर सिग्नेचर। नहीं सर, सीजन अभी शुरू हो रहा है, हमें इसी वक्त गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। इनके अप्रूवल्स किसी भी तरह कैंसिल करने होंगे, किसान ऑलरेडी ये सीड्स खरीद रहे हैं। डोंट बी इमोशनल एकता, प्रोटोकॉल है, करना पड़ता है। और हाँ, वो पेस्टिसाइड की रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग है, कल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाकर उन पर सिग्नेचर कर देना। ओके सर। गांव का मॉडल कहाँ है? जी इस तरफ।
सर ये रहा गांव का मॉडल। गांव का नाम क्या है? सर मलकापुर, यहां से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव वालों से बात करो। जी। तेज चला गाड़ी, आज रपट हूँ। ए शंभो। हाँ। अरे टोकरी तैयार है क्या? हाँ तैयार है। हाँ गाड़ी आ गई। अबे बस बस रोक रोक। भैया चढ़ा दिए। कितना हो गया? एक किलो के 10 रुपया, 80 किलो चढ़ा दिया। 80 किलो? हाँ। पकड़। ये तो 350 है, बाकी के पैसे? अरे टीकी तो दिया। छोड़िए ना पांडे जी। बहन चोत पहले के दे दिए तूने? कितना मिला? कम है। मैंने पहले ही कहा था शहर जाके बेचते हैं। अरे 100 किलो टमाटर अपने सर पे रख के ले जाएगा? 2 दिन से ज्यादा ये रखे तो ये सड़ जाएगा। गाड़ी है कैसे ले जाएगा? ये तो रोज का नाटक है। मैडम मैडम खीरा गाजर भिंडी शिमला मिर्च बताइए मैडम क्या दूं? टमाटर नहीं है मैडम। आज भिंडी है गाजर है सब कुछ है पर टमाटर नहीं है पूरे मार्केट में। अरे शर्मा जी तो टमाटर के बिना खाना ही नहीं खाते। अरे मैडम तो फिर ये ले जाइए ना, इसमें तो टमाटर भी नहीं पड़ता है। अरे भाई ये तो लौकी है। अरे अरे मैडम आपके लिए 20 रुपए। मैडम नहीं चाहिए। ए राधे पांडे अभी तक नहीं आया? पता नहीं रे। जरा फोन लगा देख कहाँ है। मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। रंग डाला आए खुशी ने हमारी। हाँ पांडे कहाँ हैं? पूरे मार्केट में टमाटर नहीं है। ओए रघु रुक, तो मैं क्या करूँ? हाँ? किसानों से नहीं मिल रहा, खुद से उगा लूँ क्या? कब तक आएंगे? अभी 1 दिन का टाइम लगेगा। मैम ग्राफ 4 mg से ज्यादा हो गया है। पेस्टिसाइड में केमिकल लिमिट ज्यादा है। हमें फील्ड टेस्टिंग के लिए जो जमीन चाहिए वो यहाँ से यहाँ तक होगी, लेकिन एनजीओस और फार्मर यूनियन से। हेलो सर, सर्टिफिकेशन के लिए जो पेस्टिसाइड्स के सैंपल आए थे मैंने उन्हें अभी टेस्ट किया है। All right. अप्रूवल शीट भेज दो, I'll sign it. No, sir, it should not be approved. पेस्टिसाइड में केमिकल की लिमिट ज्यादा है। Don't teach me एकता। Sorry sir, but sir इन seeds के साथ हमें इन्हें भी disapprove करना होगा। Findings भेज दो मुझे, मैं देखता हूँ क्या करना है। ठीक है सर, मैं अभी भेजती हूँ। Please come in। जी सर। देखो, अगली बार कोई sample approval के लिए आए तो सीधा मेरे पास लेकर आना। जी सर। अगर हम यहाँ के किसानों को मना लें तो फील्ड टेस्टिंग में आसानी होगी। पर मैम इन पेस्टिसाइड्स को तो पिछले 30 सालों से स्प्रे किया जा रहा है ना। ऋषि तुम्हें HPLC मेथड पता है? हाँ मैम पता है मैम। चलो कुछ तो पता है। ये चाबी लो, मंडी जाकर कुछ टमाटर और पालक लेकर लैब पहुँचो। जी मैम। ए पांडे की गाड़ी आ गई, आजा आजा। पांडे की गाड़ी आ गई, चल टमाटर लेते हैं, चल आजा आजा। Hey, राम राम पांडे जी। राम राम। और सब बढ़िया? आराम से। टमाटर कहीं भगे न जा रहे? अरे पांडे जी मार्केट में 3 दिन से टमाटर नहीं है और आप अभी आ रहे हो। आज का रेट क्या है? 20 रुपए किलो। 20 रुपए? अरे रे 10 में दे दो। रख नीचे।
20 में लेना है तो ले, वरना रख और निकल। भर, ठीक है ले। और भैया कैसे किलो टमाटर? 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो? इतना महंगा? मॉल में यही टमाटर और पालक 40 रुपए किलो मिलते हैं। पाव किलो दे दो। पाव किलो के लिए इतना झिक झिक? बंदो यार। ऋषि जी मैम, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड करना इसमें? अगर ग्राफ रेज हुआ तो सब्जियों में पेस्टिसाइड रेजिड्यू है। मैम अगर कोई ये टमाटर खाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा ना। नमस्ते वैज्ञानिक साहब। अरे आज कौन सी टेस्टिंग करवानी है? पांडे मजाक नहीं, हर्बिसाइड सीड के नए सैंपल आए हैं, एक गांव चाहिए टेस्टिंग के लिए। गांव चाहिए मतलब? पांडे वो एमएलए वाली बात चेक कर दी ना बात आपने। एक काम कीजिए, सारा का सारा स्टॉक भिजवा दीजिए, अब हर गांव में आपके ही सीड्स बिकेंगे। हाँ ये पांडे का वादा है वैज्ञानिक साहब। चलो सर, चलो काका चलते हम। क्या पढ़ रहा है मेरा बेटा? क्या हुआ, ये ऐसे चला क्यों गया? आज बैंक वाले आए थे, पर्चा लगा कर गए हैं। इस साल हमें पूरा कर्ज चुकाना होगा। अब फसल ही नहीं हुई तो हम कर्ज कैसे चुकाएंगे? खाना तो खा लो। अच्छा वो जगन चाचा आए थी, वो कीटनाशक बॉटल ले ली ना? हाँ। चलो अब कीड़ों का समस्या खत्म। बोल बोल बाबा। बोलू बेटी। बाबा मैं पीजी करना चाहती हूँ। बाबा मुझे और पढ़ना है। कोई बात नहीं बेटा, तेरा बाप अब और मेहनत करेगा, अपनी बेटी को पढ़ाएगा जरूर। जानकी हमारी बेटी पीजी हो जाएगी तो ये बड़ा अफसर बनेगी, तब मैं नहीं ऐसा सलाम करूंगा। आज कमाई कैसे हुई? बहुत कम। पता है ना इस महीने जमीन का किराया देना है। खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा है, हम सब छोड़ छाड़ के ना शहर चले जाएंगे। पिछले 5 सालों से यही सुनती आ रही हूँ, ना ये खेती छूटती है ना ये कर्ज खत्म होता है। आगे से लेफ्ट लेना। सर पांडे से बात हो गई है और उसके मुताबिक गांव के इस और इन इलाकों में हम अपने सीड्स की फील्ड टेस्टिंग कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी सर, वो सीड्स और पेस्टिसाइड टेस्टिंग के रिपोर्ट जो हमने भेजे थे उसके रिप्लाई आए क्या? अभी तक तो नहीं आए सर, बस 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं, हमें उनके अप्रूवल किसी भी तरह रोकने होंगे। देखो एकता, दिल्ली में इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस चल रही है, सारा डिपार्टमेंट उसी में बिजी है। सर कॉन्फ्रेंसेस तो चलती रहेंगी, खेती तो रुक नहीं सकती ना। सर मेरे मुताबिक ये जगह टेस्टिंग के लिए अच्छी रहेगी।
एक मिनट, क्या है ये? जी ये सैंपल है मैडम। अरे मैं इन्हीं के लिए आई थी। पर ये सर ने उन्हें देने के लिए कहा। मैंने सर से ऑलरेडी बात कर ली है। लेकिन मैम सुनिए तो। ऋषि जी मैं? ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के सैंपल हैं। जरा चेक करना कि इनके पैकेट के न्यूट्रिएंट्स इनके लेबल के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं। पैकेट्स के लेबल अलग अलग हैं, लेकिन मिक्सचर सब में एक ही है। नया और अच्छा समझ के किसानी से खरीदते हैं। ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से जमीन के पानी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। मैम इसका मतलब ये फर्टिलाइजर्स भी एक तरीके से पॉइजन है। ऋषि ये तीनों चीजें ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर एक किसान जेनेटिकली मॉडिफाइड या हर्बिसाइड सीड खरीदता है तो उसे मजबूरन ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड खरीदने ही पड़ते हैं। वो कैसे? क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनीज के सर्टिफिकेशन यहीं से अप्रूव होते हैं। ये देखो, ये देखो, ये इन्हीं की स्ट्रेटजी है। ये देखो, जी सर। फर्टिलाइजर के नए सैंपल्स आने वाले थे, उनका क्या हुआ? सर वो तो एकता मैडम ले गई। मैम ये तो सरेआम धोखाधड़ी है। हेलो सर, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। सर हमने 3 दिन पहले आपको सीड और पेस्टिसाइड की रिपोर्ट भेजी थी, वो मिली क्या? नहीं नहीं, हमें आपके कोई रिपोर्ट्स नहीं मिले। एक बार प्लीज चेक करिए, हमने सारी डिटेल रिपोर्ट आपको ईमेल की थी। नहीं मैडम, वहाँ से तो हमें कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। हेलो ऋषि। जी सर। आज शायद तुम्हारी इंटर्नशिप का लास्ट डे है। जी सर। Why don't you go to my cabin and wait for me? हाँ एकता, how is your research going on? तो आप ये सब पहले से जानते थे, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी अभी तक? एकता लिसन केयरफुली, ये नई टेक्नोलॉजी है। We need to give time for science to grow. Be in our team. हमें एक पेस्टिसाइड, एक सीड, एक फर्टिलाइजर अप्रूव करने के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं। ओह, तो ये साइकिल आप लोगों का बनाया हुआ है कि जब एक किसान तुम्हारे सीड्स खरीदेगा तो उसे मजबूरन पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स खरीद नहीं पड़ेंगे। किसान बेसिक फार्मिंग कर रहे थे, उपज और प्रॉफिट के लिए सब करना पड़ा। अब तुम सोच लो, उपज बढ़ाने के लिए 4 गुना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, वो भी पूरे झूठे वादे। बीटी कॉटन के बारे में क्या दावे किए थे आपने कि पूरा पेस्ट कंट्रोल होगा, पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हुआ क्या? चूसने वाले कीड़े और पिंक बॉलवर्म पहले से भी ज्यादा हो गए। सोच लिया, तुम जैसे गिरे हुए लोगों के साथ काम करने से तो अच्छा है कि मैं ये नौकरी ही छोड़ दूं। मैं देखता हूँ कैसे छोड़ती है नौकरी। मैं तुझे छोड़ के जाने दूंगा तब ना। ये इलीगल ट्रेडिंग क्यों करते हो तुम लोग? मैम ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। इंटरनेशनल प्रेशर होता है। सबसे ज्यादा स्टॉक कहाँ भेजा है? पंजाब में। मैम हमें इनकी सर्टिफिकेशन किसी भी तरीके से रोकनी होगी। ऋषि एक काम कर। जी मैम। आसपास के गांव में जा, सर्वे कर और पता कर कि ये सीड्स किन जगहों पर गए हैं। जी मैम।
लेकिन मैम आप कहाँ जा रहे हो? पंजाब। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये ले माओ तो पकड़। नहीं पांडे भैया, इस बार 2800 रुपए से 1 रुपए भी कम नहीं लेंगे। हाँ अच्छा, माधव तुम चाहे जितने भी चाहे टमाटर उगा लो, तुम्हारी मुसीबत है ना कम नहीं होने वाली। मतलब बैठो पीछे, समझाता हूं। अरे बैठो पीछे। हाँ बैठो बैठो, सब मतलब समझ में आ जाएगा। सबसे सस्ता सबसे टिकाऊ आरके सीड्स, सभी तरह के कीड़ों से बचाए, फसल की उपज बढ़ाए। आज ही खरीदे अपने नजदीकी विक्रेता से। सबसे सस्ता सबसे टिकाऊ आरके सीड्स, सभी तरह के कीड़ों से बचाए, फसल की उपज बढ़ाए। आज ही खरीदे अपने नजदीकी विक्रेता से। माधव ये सब कॉटन का मार्केट है। बहुत पैसा है इसमें। ए पांडे। अरे आया, सोचो कुछ। इस बार बैंक का कर्जा खत्म। काका इस साल हम लोग भी कपास बोए क्या? सोचना भी मत, कपास की खेती में बहुत पैसा लगता है। नहीं काका, जो भी हो इस बार हम लोग भी कपास की खेती करते हैं। अरे पागल हो गए तुम लोग, मालूम है कपास की खेती में कितना पानी लगता है? काका सालों से टमाटर उगा रहे हैं, क्या मिला? यहाँ देखो हर कोई कपास बेच रहा है और पैसे कमा रहा है। अरे सोचा कुछ या सिर्फ बातें चल रही हैं? हाँ हाँ पांडे जी, हमने तय कर लिया है इस साल हम कपास की ही खेती करेंगे। सही। अरे शंभू पागल मत बन, कपास की खेती के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? अरे 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 काका इतना गर्म काहे होते हो, जितना पैसा बन पड़े खुद से लगाओ, और फिर बाकी पांडे भी तो है ना। हाँ काका वैसे शंभू ठीक कहता है, टमाटर में अब कुछ नहीं रखा, कपास की खेती का ऐसा रास्ता है जिससे आप अपने सारे पुराने कर्ज चुका सकते हैं काका। हाँ काका। पांडे जी। हाँ जी बताइए। इस बार हम लोग कपास की खेती करेंगे। जय हुई ना बात, सीखो कुछ। चलो माधव, तीनों की जमीन मिलाकर कपास की खेती करने में कितना पैसा लगेगा? कीटनाशक खाद बीज और ट्रैक्टर मिला के यही कोई 75,000 लग जाएगा। चलो पैसा ना कोड़ी, बीज बाजार में दौड़ा दौड़ी। क्या काका आप भी हमेशा कुड़ते रहते हो। अरे चुप काम करो। माधव वो देख काम हो गया अपना, पैसे का इंतजाम हो गया। देख लो भैया, वो खेती के कर्ज के लिए बात करनी है। जमीन खुद की है या किराए की? मेरी किराए की है। किराए पे मिलना मुश्किल है। मेरी खुद की है भैया। खुद की है तो ये सारे कागजात ले आओ, लोन मिल जाएगा। लाओ, हम छठी पास हैं, हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है? हाँ साहेब, सारे कागजात जमा कराने के बाद कर्ज कितने दिन में मिल जाएगा? अर्जी भेज दी जाएगी, सहमति मिलते ही बता देंगे। सहमति? कितने दिन में मिल जाएगी? दिन लगभग 2-3 महीने लगेंगे। ठीक है सर। लाओ बाबा मुझे दो।
लो बाबा ऐसे होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक समुदायों के धर्म स्थलों के आसपास की जमीन के हस्तांतरण और विकास पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। एक सरकारी संगठन पर गुरुद्वारे की संपत्ति की अवैध बिक्री के आरोपों के बाद ये फैसला आया है। मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की माधव कुछ निजम हुआ पैसों का अब क्या करना है काका? ये तुमको कब से बुखार चढ़ गया कपास की खेती का? शंभू इस साल किसी भी तरह सुनीत का कॉलेज में दाखिला कराना ही है। ये हुई ना बात। चल माधव इस साल हम कपास की ही खेती करेंगे। क्या ढूंढ रहे हो? मकान के कागज ढूंढ रहा हूँ। मकान के कागज? कपास की खेती करनी है, पैसे चाहिए उसके लिए। पहले से इतना कर्जा है हमारे ऊपर, जमीन का किराया, पांडे जी को ब्याज देना है। कागज कहाँ है बता? ले दे के घर रह गया है, ये भी चला गया तो कहाँ रहेंगे हम? मिल गया कागज, मिल गया कागज। मत बता, मिल गया कागज। बेच दो, सब कुछ बेच दो, मुझे भी गिरवी रख क्या हो किसी के पास। हेलो सर, एक खुशखबरी है। यहाँ किसान कॉटन की खेती शुरू करने वाले हैं। सर वो जो बीटी सीड्स का स्टॉक है उनका क्या करना है? भेज दो। और हाँ, मुझे एक पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। पांडे कल तक तुम्हारे पास सीड का सारा स्टॉक पहुंच जाएगा। पर सर माल आने में कम से कम 2 दिन का टाइम तो लगेगा ना। पांडे बिजनेस करना है कि नहीं? जी सर। जी मैं एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से आई हूँ, मुझे अवतार जी से मिलना है। आपका नाम? मेरा नाम एकता है। ओ मैडम जी, आप जिस डेटा के लिए रिसर्च सेंटर से आई है ना, वो तो आपको वेबसाइट पे मिल जाना था। ओ तुसी तो ऐवे ही आगे जी इतनी दूर। देखिए मैं समझती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, पर हमारे सेंटर से जो पेस्टिसाइड्स अप्रूव होकर आए हैं मैं उनके डिटेल्स जानना चाहती हूँ। और उनका क्या जो पिछले 30 साल से अप्रूव होकर आ रहे हैं? मतलब? मैं बताता हूँ, चलिए। फिर जी 2 टिकट कैंसिल ट्रेन की, 2।
मैडम जी, इस ट्रेन का हर दूसरा बंदा कैंसर का पेशेंट है, आप कितने भी चेक कर लो। और यही ट्रेन है जो बठिंडा से बीकानेर तक जाती है, अब आप इनको ही देख लो। आइए आइए, देखना चाहती थी ना आप, ये हाल किए आपके पेस्टिसाइड्स ने। किसी का भी टेस्ट करवा लीजिए मैम आप, खून नहीं पेस्टिसाइड्स ही निकलेगा। गवर्नमेंट से कोई हेल्प? जहर और दवाई दोनों एक ही कंपनी बनाती है। अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो आप दिल्ली जाकर भूषण सर से मिल सकती हैं। सर, इन पेस्टिसाइड से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो कोई इसे रोकता क्यों नहीं है? प्रॉफिट बेटा, प्रॉफिट। एकता, हमारे देश में 100 अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। इन 100 फसलों में से सरकार सिर्फ 24 फसलों का दाम तय करती है, और उन 24 में से 2 फसलें गेहूं और चावल को सरकार किसानों से खरीदती है। गेहूं और चावल के दाम गांव में एक सर्वे टीम को भेज कर किया जाता है। सर्वे टीम किसान से उनकी खेती की लागत के बारे में जानकारी लेती है। किसान अपनी 30% कमाई पेस्टिसाइड, सीड्स और फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, 30% लोन पे करने के लिए और बाकी बची कमाई जमीन का किराया भरने में लगाते हैं। किसानों की इस लागत के आधार पर सरकार भाव तय नहीं करती, बल्कि कंज्यूमर की जेब की क्षमता के अनुसार भाव तय किया जाता है। सरकार के इस निर्णय से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, और बाकी के 22 फसलों का भाव लोकल ट्रेडर्स तय करते हैं। जब मार्केट में उन 22 फसलों की डिमांड ज्यादा होती है तब उन्हें गोडाउन में रोक दिया जाता है। डिमांड दोगुनी होने पर ट्रेडर्स उसका फायदा उठाकर फसलों को मनमाने दाम पर बेचते हैं,
ट्रेडर्स की इन हरकतों से किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल पाता। उदाहरण के तौर पर, किसान जब एक फसल को बाजार में बेचने जाता है, तब उसका पहला हिस्सा उसे तैयार करने में जाता है, दूसरा उसकी पैकिंग में, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन में, चौथा उस पर टैक्स भरने में, पांचवा मार्केटिंग पर, छठा मिडलमैन को, सातवा होलसेलर को, आठवां रिटेलर, और सबसे आखिर में जो हिस्सा बचता है वो मिलता है किसान को। इस नुकसान से बचने के लिए अगर सारे किसान मिलकर अपनी फसलों को सीधे कंज्यूमर को बेचे तो उन्हें सिर्फ पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होगा, इसके अलावा उन्हें सिर्फ रिटेलिंग और उसका टैक्स भरना होगा। इस प्रोसेस में पहले 90% के मुकाबले 50% ही किसान का खर्च होगा और बाकी का 50% किसान को मिल जाएगा। किसान अपनी मर्जी से खेती कर सकता है लेकिन अपनी मर्जी से बेच नहीं सकता। सर, अथॉरिटी कुछ क्यों नहीं करती? अथॉरिटी? आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। हाँ ऋषि। मैम, गांव वालों को मुआवजे के नाम पे सिर्फ 5 रुपए का चेक पकड़ा रहे हैं। ऋषि, सारी डिटेल्स ईमेल करो। जी मैम। मैम एक और चीज। हाँ? हमने जो लैब में सीड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर टेस्ट किए थे, हाँ? गांव वाले वही सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू सर। मराठवाड़ा जाओ, सबसे ज्यादा सुसाइड्स वहीं पर हुए हैं। मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है ताकि मैं इन प्रोडक्ट्स की सच्चाई आप सबके सामने रख सकूं। ये प्रोडक्ट्स कंपनीज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। महंगे होने के साथ साथ इन प्रोडक्ट्स की वजह से एनवायरनमेंट को भी काफी नुकसान हो रहा है। आपको पता है हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन कई देशों में बैन है, फिर भी बिना परमिशन के ये सीड्स हमारे किसानों तक पहुंच रहे हैं और इस वजह से कैंसर जैसी कई बीमारियां आए दिन हो रही हैं। मैडम, पिछले 30 साल से ये सारे प्रोडक्ट पूरे देश में इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं खुद एक रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, मैंने रिसर्च की है, इसकी सारी डिटेल रिपोर्ट इसमें है। ये बीटी सीड्स है, अगर किसान इन्हें बोते हैं तो उन्हें मजबूरन ये पेस्टिसाइड और ये फर्टिलाइजर खरीदने ही पड़ते हैं। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे सीड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री ने मिलकर बनाया है। इसका मतलब आप ये कहना चाहती है कि हमारे किसान इन सारी चीजों की वजह से कर्ज में गिरते हैं? हाँ, ये इतने महंगे हैं कि किसान इन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं और इसकी वजह से किसानों को कर्ज लेना पड़ता है। अगर किसान ये प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे तो कर्ज में नहीं डूबेंगे। और मैं आप सबके माध्यम से इन प्रोडक्ट्स की बिक्री पूरे देश भर में रोकना चाहती हूँ। ये सब तो ठीक है मैडम, पर आप उनको कैसे रोकेंगे जो इनको ब्लैक में बेचते हैं? और मौसम के बदलाव का उसका क्या करेंगे आप? इसके पीछे कौन है? गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम कोशिश करेंगे, इस मिट्टी के साथ काम करेंगे, मिलकर रास्ता निकालेंगे। थैंक यू। हेलो। हाँ, मैं ARC डिपार्टमेंट से एकता सिंह बात कर रही हूँ। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, हर्बिसाइड टॉलरेंट कपास की अवैध खेती हो रही है, बीटी कपास का बॉलवर्म रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अप्रूव होकर जो भी बीज, कीटनाशक या फिर खाद आ रहे हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट होने मत देना, वो सही नहीं है। पर वो तो पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो गए मैडम। क्यों? वो तो अगले महीने आने वाले थे ना? नहीं, वो तो पिछले हफ्ते ही आ गए थे। अब तक तो किसानों ने खेत जोतना भी शुरू कर दिया होगा। हेलो। हाँ, मैं ARC डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। जी, मैं जान सकती हूँ इस साल की बारिश की रिपोर्ट क्या है? आप रुकिए मैडम, मैं एक बार देख के बताता हूँ। इस बार की सिचुएशन तो बहुत ही खराब है मैडम। मीडिया में डिक्लेयर की? नहीं, अभी करूँगा। जल्दी कीजिए। आरके सीड, सभी तरह के कीड़ों से बचाए, फसल की उपज बढ़ाए। आज ही खरीदे अपने नजदीकी विक्रेता से। और आंध्र प्रदेश राज्यों के बड़े इलाके सूखाग्रस्त हैं।
पानी की तंगी से देश की आबादी का मन जब उदास है। काका, माधव, अरे यहाँ आओ। हाँ, अरे जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे बोरवेल से पानी नहीं आ रहा। क्या? देख। आया क्या काका? नहीं आ रहा। बाबा बाबा, हा? इस साल भी बारिश नहीं होने वाली। किसने कहा तुझसे? वो टीवी वाला बोल रहा था। तू घर जा। बारिश नहीं होगी तो खेती कैसे होगी? बारिश नहीं होगी तो खेती कैसे होगी काका? तुम घबराओ मत। अरे माधव, वहाँ देख। हाँ काका, चलाओ। हाँ चलाया। आ रहा? नहीं, चलाओ ना काका। अरे चलाया। एक बार फिर चलाओ। अरे चलाया। अरे पानी नहीं आ रहा है काका। लगता है जमीन में पानी खत्म हो गया है। पानी नहीं आएगा तो खेती कैसे होगी काका? ये एक रास्ता है। हाँ बोलो बोलो, क्या कर सकते हैं बोलो। कुछ पैसे लगेंगे। पर मैंने तो अपना घर गिरवी रख दिया है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। मैं तो पूरा बर्बाद हो गया। मैंने तो घर गिरवी रख दिया है माधव। पानी नहीं आएगा तो खेती कैसे होगी? शंभू, शंभू तू घबरा मत। पानी नहीं आएगा तो घबरा मत शंभू। एक काम कर, तू घर जा। हाँ घर जा। पर मैंने तो कुछ करते हैं। हाँ मैं घर जाता हूँ। हाँ। अरे बाल्टी भर गई, खींच लो। नए बोरवेल के लिए कितना लगेगा भैया? 50,000 तक लगेगा। क्या हुआ माधव? 50,000 से कम कोई नहीं मान रहा काका। चल पांडे के पास चलते हैं। ठीक है, इधर चलते हैं। क्या हुआ, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोरवेल से पानी नहीं आ रहा है, इस साल भी सूखा है। मैंने कहा था लालच मत करो। 2 साल से कर्ज में हूँ, अच्छा ही तो सोच रहा था। क्या गलत कर रहा था? तुमने मेरी सुनी कब है? पहले जमीन गई, अब ये घर गया। कहाँ रहेंगे हम लोग? सड़क पर? हाँ हाँ सड़क पर रहेंगे। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी कि तुझे सीबी भी मिली। तुम्हें खुद को तो पता नहीं कब क्या फैसला करना है, बड़े है मुझे घोस रहे हो। क्या बोला? क्या बोला साली? चल निकल यहाँ, निकल निकल जा यहाँ से, चली जा यहाँ से, वापस नहीं आना। रहना भी कौन चाहता है यहाँ पे? अच्छे से सोच लो काका, 40% ब्याज ज्यादा लगेगा। अगर समय से पैसा वापस नहीं मिला तो तुम्हारी सारी जमीन गई। नहीं नहीं पांडे जी, समय पर आपके पैसे लौटा देंगे। चलो भागो यहां से।
प्रभु। सारी हेकड़ी निकल गई तुम लोगों की, सूखा पड़ते फट गई तुम लोगों की। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम लोग, अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला ना तो तुम्हारी सारी जमीन कोड़ियों के भाव बेच दूंगा मैं। ए पांडे, यहाँ मेरा दोस्त मरा पड़ा है और तुझे तेरे पैसों की पड़ी है। छोड़िए ना पांडे जी, आपको पता है ना सूखा पड़ चुका है, बारिश नहीं हुई। मैं नहीं जानता सब कुछ है, पैसे लेते वक्त पता नहीं था क्या? सिर्फ तीन महीने है तुम्हारे पास, मुझे मेरा पैसा नहीं मिला ना तो तुम्हारी सारी जमीन गई। 3 महीने क्या पांडे, सिर्फ दो महीने में अपनी जमीन छुड़ाऊंगा, सिर्फ 2 महीने में। अच्छा बेटा, देखता हूँ 3 महीने में वापस आऊंगा मैं। रुको, काका फसल में तो कीड़े लग गए। अरे बस्ता उठाओ, छिड़काव करो, शुरू करो। पहले मौसम और अब ये फसल ने धोखा दिया। लेकिन काका, पैकेट में साफ साफ लिखा था ना कि बीटी बीज डालने के बाद ये कीड़े नहीं पड़ेंगे। माधव, हाँ, हमें जल्द से जल्द ये फसल बेचना ही होगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ। चलो अभी ये फसल काटेंगे। ठीक है काका। ये तो सिर्फ 40,000 हैं। नंबर एक कॉटन नहीं है ये। मतलब क्वालिटी ठीक नहीं है इसकी, इतना ही मिलेगा। क्वालिटी ठीक नहीं है भैया, 3 महीना दिन रात एक करके मेहनत की, घर बार गिरवी रख दिया खेती के लिए, और आप कहते क्वालिटी ठीक नहीं है। अरे पत्ती ठीक नहीं है ये, इससे ज्यादा पूरी मार्केट में नहीं मिलेगा, कहीं मिलता हो तो बेचाओ। ये आप लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। पकड़ इसको, देख इसे कहते हैं ओरिजिनल कॉटन। यह पत्ती, जैसा माल वैसा दाम, देख समझे? जाओ, इतना ही मिलेगा। भैया इतना मिल रहा है ना, चलो। माधव पैसा मिला? ये सिर्फ 40,000 है, बाकी के पैसे काका जमीन गई काका। हाँ काका, हमने जो मेहनत से ये फसल उगाई थी वो बोलता है कि क्वालिटी ठीक नहीं है। काका
मेरा छोटा बच्चा मुझसे उसे नजरें नहीं मिलाता। काका बैंक का कर्जा कैसे चुकाऊंगा काका? कुछ नहीं होगा माधव, घर चल। किसान कभी हार नहीं मानता। चल घर में मत बताना। चल परमेश्वर कहाँ जा रहे हो? खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा है काका, आप भी ये सब छोड़ो और शहर चले जाओ। ये शंभू का हिस्सा आ गए आप, बड़ी देर लगा दी। जाइए जाके हाथ मुंह धो लीजिए। ये रखो। ये मैं संभाल के रख लेती हूँ। ठीक है। वही मैं सोच रही थी, आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? जानकी, इस साल की पहले कमाई सुनीता का हाथों से मंदिर में रखवा। सुनीता बेटी। हाँ माँ। क्या हुआ? ये पैसे अपने हाथों से मंदिर में रख दो। सिर्फ 3 महीने है तुम्हारे पास। तीन महीने क्या पांडे, सिर्फ 2 महीने में अपनी जमीन छुड़ाऊंगा। इतनी रात हो गई है, आप यहां बैठे हैं? कोई बात है क्या? आज मंडी में दाम सही नहीं मिला। मैंने कुछ कहा आपसे? इस साल नहीं मिला तो अगले साल मिल जाएगा। पर कर्ज कैसे चुकाएंगे लक्ष्मी? आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे माधव, किसी भी हालत में
का तो चुका रहे माधव। हाँ काका, आप चिंता मत करो, हम लड़ेंगे। कहीं नहीं जाने वाली हमारी जमीन, हम लड़ेंगे और अपनी जमीन छुड़ाएंगे काका। एक साल हो रहा है बाबा की मौत होके, खुदकुशी था। दवा लेने शहर गए थे, रास्ते में पी ली। मीनल, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज के बाद इस देश में एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। किस किस को रोकेंगे आप? यहाँ पास में एक गांव है जिस पर कोई कर्ज नहीं है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, सभी खुशहाल हैं। मैं वहां जाना चाहती हूँ। अरे नहीं होगा यार तुझसे। होगा होगा। अरे यार बोला ना नहीं होगा, चलो निकलो। अरे चल छोड़ यार, नहीं होता। कौन लाया यार इसको? निकल। अरे छोड़ यार, निकल। आओ यार, अगला कौन है भाई? भैया यहाँ क्या हो रहा है भैया? जो भी ये थैला उठाएगा उसी को काम मिलेगा। अरे जल्दी आ यार, इनविटेशन लेगा क्या? चल। अरे चलो यार। अरे काका, अरे नहीं होगा काका, नहीं उठा पाओगे उसको, जल्दी करो। काका बोला ना नहीं होगा। अरे मर जाओगे यार, कौन जिम्मेदारी लेगा तुम्हारी? आ जाओ। फेंक बाहर। हाँ। ओए, सामान ही फेंकता रहेगा या इसे भी बाहर फेंकेगा? चल। नहीं उठ रही है। नहीं उठ रही है, हट। उठ, चल, निकल, निकल। एक बात कान खोल के सुन ले तू, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे ना तब तक के लिए घर भूल जा, समझी? निकल अब, निकल। और ये रही वो खेत। यहाँ के किसान एक ही खेत में तरह तरह की फसलें उगाते हैं और जिससे उनको हर महीने आमदनी हो जाती है। अच्छा, पर अगर यही बात है तो आसपास के गांव वाले यही मॉडल क्यों नहीं अपनाते? एकता जी, अगर हम सब मिलकर रहते तो आज ना जाने कहां से कहां रहते। काका, काका आ गया, आ जाओ, आ जाओ काका। हुँ।
क्या हुआ काका? काका क्या हुआ? भैया 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 भाई जल्दी आओ भैया भैया पकड़ो जल्दी। हाँ जल्दी कर जल्दी, पूरा गांव खोदेगा क्या? फटाफट बैनर लगा इसमें। गांव वालों एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर एक दिन के अंदर पैसा वापस नहीं मिला तो मैं तुम्हारा सारा गांव बेच दूंगा। चल बैठ। ये पेशेंट के साथ कौन है? हमें मैडम। मैडम तबीयत कैसी हमारे काका की? तुम लोग केमिकल कंपनी में काम करते हो क्या? नहीं मैडम, हम लोग तो किसान हैं। तो कीटनाशक इस्तेमाल करते हो? हाँ मैडम। आपके काका के गले में कैंसर है, ज्यादा वक्त नहीं है उनके पास। काका काका तुम्हें कुछ नहीं होगा, काका तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी काका, अपनी बेटी को पढ़ाएंगे काका, उसके सपने। काका काका डॉक्टर 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 कोई 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 डॉक्टर को बुला। काका 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 हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे काका, काका उठो ना काका, काका हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, उसके सपने पूरे करेंगे काका काका काका। तुम ही तो बोले थे ना कि हम लोग साथ में लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे ना काका काका काका, ऐसे छोड़ के मत जाओ ना काका। भैया 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 ईश्वर काका का ईश्वर काका कैंसर से मर गए भैया। भैया 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 हमारे गांव को शंभू, उसने आत्महत्या कर ली भैया। भैया भैया हमारे फसल को पूरे कीड़े खा गए, हमें फसल का सही दाम भी नहीं मिला। ईश्वर काका भी मर गए भैया। भैया 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 हम लोग गांव छोड़ के शहर में आ रहे हैं भैया। भैया देखो देखो ईश्वर काका मर गए भैया। अरे नहीं चाहिए तुम लोगों का पैसा, नहीं चाहिए तुम लोगों का पैसा, नहीं चाहिए, ये लो तुम लोग, ये लो हमसे लो, हम देते हैं, ठीक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भी। अरे किसानों को बचाओ, अरे मर रहा है किसान, अरे तुम लोगों का पेट भरने वाला मर रहा है, अरे मर रहा है किसान, अरे मर रहा है किसान, मर रहा है किसान, किसानों को बचाओ, किसानों को बचाओ, अरे किसानों को बचाओ, किसानों को बचाओ, किसानों को बचाओ, अरे किसानों को बचाओ, किसानों को बचाओ, किसानों को बचाओ, मर रहा है किसान, अरे किसानों को बचाओ, मर रहा है किसान, किसानों को बचाओ, मर रहा है किसान।
लोगों को बचाओ। अरे मर रहा है किसान, अरे तुम लोगों का पेट भरने वाला मर रहा है। अरे मर रहा है किसान, अरे मर रहा है किसान, मर रहा है किसान। जानते हैं क्या, कल रात से इधर ही चाहे। ये इस देश का किसान है, ये है तो हम हैं। सुबह से इन्हें बहुत भूख लगी थी, पैसे नहीं खर्च किए इन्होंने, कह रहे थे बेटी का दाखिला कराना है कॉलेज में। आज हजारों लाखों लोगों का पेट भरने वाला किसान, खुद भूख से मर गया। मैं भी एक किसान की बेटी हूं। बाबा, शहर किस लिए आए थे? 5 साल से मैडम जी हम लोग कर्ज में हैं। सोचा शहर जाके कुछ मेहनत मजूरी करेंगे, कर चुका देंगे बस। गांव वालों को पांडे जी का नमस्कार। आज हमारे बीच में हैं इस शहर के जाने माने कृषि वैज्ञानिक और साथ में है जाने माने बिजनेसमैन श्री पवार साहब। मगर क्या बताऊं आपको, जैसे इनको मालूम चला कि जो आपका गांव है वो बिक, मतलब जैसे इनको ये खबर मिली कि आप तकलीफ में हैं, इनसे रहा नहीं गया और सीधे चले आए आपके पास। अरे इनका दिल इतना बड़ा है कि कैसे बताऊं कि कितना बड़ा है। ये सब आपका कर्ज माफ करना चाहते हैं और बदले में आपको अपनी जमीन इन्हें देनी पड़ेगी। हाँ लेकिन 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 उसके बदले में ये आपको बीज, खाद, कीटनाशक सब कुछ देंगे, वो भी बिना किसी पैसों के फ्री में। लेकिन बस शर्त एक रहेगी कि आपको खेती बिल्कुल वैसी करनी होगी जैसा ये चाहते हैं, और अगर आपने वैसे खेती की तो सारे गांव की उन्नति होगी। पांडे हमेशा कहता है अंत भला तो सब भला। जिन कीटनाशक, खाद और बीज की ये बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे नकली और मिलावटी हैं। मैडम आप कौन? मेरा नाम एकता सिंह है, मैं भी एक कृषि वैज्ञानिक हूँ और जन्म से किसान की बेटी। ये रहे कोर्ट के स्टे ऑर्डर के पेपर्स। सरकार ने किसानों को 6 महीने का वक्त दिया है। गांव वालों को पेस्टिसाइड, सीड, फर्टिलाइजर कुछ नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। ये गांव हर हाल में मुझे चाहिए। मिलेगा सर, टेंशन मत लीजिए। माधव, तेरे काका किधर है? माधव तेर से पूछ रहे, तेरे काका किधर है? सुनीता, तेरे बाप
बाबू। मैं तो कहता हूं पांडे ठीक कह रहा है, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। अरे जो दाम मिलता है वो ले लेना चाहिए। नहीं, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। गांव बिक जाने के बाद आप अपनी ही जमीन पे उनके नौकर बन जाएंगे। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आप लोगों की जमीन और घर दोनों ही वापस लौटा सकती हूं। माफ कीजिएगा मैडम जी, अब हमें किसी और पर विश्वास नहीं है। गांव की हालत देखी आपने, हर घर में एक विधवा, कई अनाथ बच्चे और कैंसर के मरीज हैं। मैं तो कहता हूं कि कल सुबह होते ही हमें पांडे के घर चलना चाहिए। पांडे को हमारी मदद करनी ही होती तो हमारी जमीन बेचने के ख्वाब नहीं देखता। हम किसान हैं और हमारी जमीन ही हमारी पहचान है। आज अगर ये मुश्किल घड़ी आई है तो हमें उन सबका मिलकर सामना करना चाहिए। पागल मत बनो माधव, बिना खाद, बिना कीटनाशक, बिना बीज के कैसे खेती होगी? होगी, जरूर होगी। आप लोगों की हालत इन्हीं सब चीजों की वजह से तो हुई है। ये महंगे कीटनाशक, खाद और बीज की वजह से आप लोगों को कर्ज लेना पड़ा, और यही कर्ज ना चुका पाने की वजह से आज पूरे देश भर में किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। अगर आप लोगों ने इनका इस्तेमाल ना किया होता तो आज ईश्वर काका और शंभू हमारे बीच होते। मैडम जी, मैं आपके साथ हूँ, बताइए क्या करना है। हाँ मैडम जी, हम आपके साथ हैं। हाँ मैडम जी, हम आपके साथ हैं। पागल हो गए हो तुम सब। आप लोगों के पास कितनी एकड़ की जमीन है? मैडम जी यही कोई एक दो एकड़। ठीक है, तो मुझे आपकी जमीन की मिट्टी टेस्ट करनी होगी। जी मैडम जी। हमें मिट्टी के गुण और उसकी गहराई को देखकर ये तय करना होगा कि हम किस तरह की खेती कर सकते हैं। यहाँ ये काली मिट्टी है, ज्यादा गहरी भी नहीं है। ऐसी मिट्टी में कपास की खेती मुश्किल है। लेकिन हम यहाँ मूली, टमाटर, बैगन, लौकी और पत्ता गोभी जैसी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। पर मैडम जी, इतनी सारी सब्जियां एक ही जमीन पे? हो सकती हैं। आइए मैं बताती हूँ। ये देखिए, हमें सबसे पहले अपनी जमीन को एक स्तर पर करना होगा। खेती के जमीन के किनारों पर हमें छोटे छोटे गड्ढे करने होंगे, और जमीन के अंत में हमें एक छोटा सा तालाब खोदना होगा। जब बारिश आएगी तो सारा पानी इन गड्ढों में भरते हुए तालाब में जाकर इकट्ठा हो जाएगा, और इस तालाब में इकट्ठे हुए पानी से हम पूरे साल खेती कर सकते हैं। अब हम छोटे छोटे दल बनाकर काम करेंगे। वैजंती, आपका दल जमीन को एक स्तर पर करने का काम करेगा। जी मैडम जी। लक्ष्मी। जी मैडम। आप लोग मिलकर जमीन के किनारों पर छोटे छोटे गड्ढे खोदेंगे। ठीक है। और माधव। जी मैडम जी। आपका दल जमीन के अंत में गहरा तालाब खोदेगा। बिल्कुल मैडम जी। सुनीता, रानी, तुम लोग जो सूखी लकड़ियाँ और पत्ती निकलती है वो सब इकट्ठा करो, हम इनसे कंपोस्ट बनाएंगे। जी मैडम जी। मिट्टी मिट्टी तेरी ये मिट्टी, मिट्टी तुझको पुकारे, तू हार न मान रे प्यारे। मिट्टी मिट्टी तेरी ये मिट्टी, मिट्टी तुझको पुकारे, तू हार न मान रे प्यारे। तू जो उठा तो महकती हवा होगी, तू जो बढ़ा तो गुले गुलजार होगी। आजा इसको मना ले, तेरी किस्मत तुझसे रूठे। आजा इसको मना ले, तेरी किस्मत तुझसे रूठे। मिट्टी मिट्टी तेरी ये मिट्टी, मिट्टी तुझको पुकारे। हाँ जी, उसके बाद कल से हम इस पर काम शुरू करेंगे। ठीक है मैडम जी, मेरा साथ दीजिए और देखिए। हाँ हाँ, कल से हम ये काम शुरू करेंगे। और मैडम जी। हाँ जी। लीजिए, कुछ खा लीजिए। कुछ खा लीजिए मैडम जी। कुछ खा लीजिए मैडम जी। खाती हूँ। मैडम जी, अब क्या करना होगा? माधव, हमें बीज चाहिए।
मुझे एक गांव पता है जो प्राकृतिक रूप से बिना किसी रसायन के खेती करता है। गांव वाले बीज संभाल कर और बांध कर रखते हैं। अच्छा, हमें वहां से बीज लाने होंगे। माधव, आप चिंता मत करिए मैडम जी, मैं जाऊंगा लेने। माधव, ये उस गांव का पता है, कोई भी परेशानी आए तो मुझे फोन करना। ठीक है मैडम जी। दीदी दीदी, खेत में जानवर घुस गए। क्या? लक्ष्मी, वैजयंती, हाँ, जल्दी आओ मेरे साथ। चलो चलो। तेरी ही मेहनत से ये सवर जाएगी, तेरी ही हिम्मत से ये निखर जाएगी, तेरी ही मेहनत से ये सवर जाएगी, तेरी ही हिम्मत से ये निखर जाए। तुझे उठा तो ये जश्न बहार होगी। लीजिए मैडम जी, जानवर तो सारे बांध दिए हैं। हाँ, अब आगे क्या करना है? अब हमें जानवरों से अपने खेतों को बचाने के लिए चारों ओर फेंसिंग लगानी होगी। ठीक है, कर तो ऐसा काम बंदे, आंसू बन जाए मोती। मिट्टी मिट्टी तेरी ये मिट्टी मिट्टी, तुझको पुकारे तू हार न मान रे प्यारे। मिट्टी मिट्टी तेरी ये मिट्टी मिट्टी, तुझको पुकारे तुहार न मान रे प्यारे। लीजिए मैडम जी, तार लग गए। अब आगे क्या करना होगा? अब हमने जो जानवर इकट्ठा किए हैं, उनकी मदद से हम पंचगव्य और खाद बनाएंगे। और देखिए कि आपका किया हुआ काम क्या ऐसा दिखता है। हाँ मैडम जी, दिखता है। ठीक है रानी, तुम अब फेंसिंग से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो जाओ। गजनी, बबीता, सोनी, तुम लोग रानी से 3-3 कदम की दूरी पर जाकर खड़ी हो जाओ। अब जहाँ जहाँ ये लड़कियाँ खड़ी हैं, वहाँ हमें सीधी क्यारियाँ बनानी होंगी। लक्ष्मी, वैजयंती, कल हमने जो पंचगव्य और कंपोस्ट बनाया था वो लेकर आओ। ठीक है। अब इनका छिड़काव पूरे खेत में कर दो। ठीक है, इससे हमारी मिट्टी की उपज बढ़ेगी और जो खाद हम खरीदते हैं ना, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पंचगव्य और कंपोस्ट ही हमारे लिए खाद का काम करेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है मैडम जी। तो चलिए हम पूरा छिड़काव वहाँ से शुरू करते हैं। बोल, गांव वालों ने फिर से जोर शोर से खेती शुरू कर दी है। हाँ, और मैंने अभी अभी माधव को देखा दूसरे गांव से बीज लाते हुए। साले मुंह क्या देख रहा है, गाड़ी निकाल। हाँ। निकल निकल। साले, मना किया था ना खेती करने को तुझे, मना किया था ना। सामान फेंक इसका। ए, पांडे, रास्ते से हट जा, ये बीज मेरे गांव वालों के लिए है। मेरे गांव में मेरी बेइज्जती। अबे मार साले को। ओ!
अरे माधव भैया आ गए। माधव ये चोट कैसे? कुछ नहीं मैडम जी, वो पांडे और पांडे के साथियों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, पर आप चिंता मत करिए, मैं बिजली आया हूँ। तुम ऐसा करो अंदर जाओ, लक्ष्मी तुम माधव को अंदर लेकर जाओ, वैजयंती तुम बीज लेकर आओ। हाँ। इन्हें एक रात ये बीज अमृतम में रखना होगा। अच्छा। ठीक है, तो आप सबके पास बीज है? हाँ। मूली के बीज जिसके पास हैं, वो पहली दो क्यारियों के पास जाकर खड़ी हो जाएं। जी मैडम। उसके बाद शलगम वाले जाकर खड़े हो जाएं। उसके बाद गाजर वाले। हाँ। फिर प्याज वाले। उसके बाद टमाटर, फिर बैगन, फिर पत्ता गोभी और आखिरी में लौकी। पर मैडम जी, हम लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? इससे हम एक ही खेत में अलग अलग तरह की फसलें उगा सकेंगे। इससे सूरज की किरणें और मिट्टी की ऊर्जा दोनों ही हमारे फसलों को बराबर मात्रा में मिलेगी। पर मैडम जी, वो आखिरी की दो क्यारियां तो खाली पड़ी हैं। वहाँ पर हम अगले महीने भिंडी उगाएंगे। इससे हमें हर हफ्ते सब्जियां मिलेंगी जिसे हम शहर में जाकर बेच सकेंगे। ये तो बढ़िया है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आप सब अब बीज बोना शुरू कीजिए, मैं अभी आती हूं। हाँ, मैं एकता सिंह बोल रही हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस साल मलकापुर में कितनी बारिश हो सकती है? एक मिनट, इस बार तो 300 मिलीमीटर बारिश होगी मैडम। माधव जरा फावड़ा पकड़ा। क्या हुआ मैडम जी? मैडम जी क्या हुआ? इस साल बारिश बहुत कम होगी, हमें बारिश की एक एक बूंद को बचाकर रखना होगा। गांव वालों, पानी तालाब में भरना शुरू हो गया है। पिछले दो दिनों से बारिश नहीं हुई है और अब अपने खेतों को पानी की जरूरत है। माधव, हमारे फसलों को थोड़े थोड़े पानी की जरूरत होती है। तालाब में जो पानी जमा है वो हम इस ट्रिप के जरिए पूरे खेत में पहुंचा सकते हैं। एक मिनट, मैं बताती हूँ।
पानी आ गया। पानी का तो ठीक है हाँ। लेकिन कीड़ों से बचने के लिए कीटनाशक का इंतजाम तो करना होगा ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है हाँ? बिना कीटनाशक के भी कीड़ों से बचा जा सकता है। वो कैसे? बताती हूँ, आओ। ये है फेरोमोन ट्रैप। अच्छा, इसमें मादा कीड़े के सुगंध वाली गोली लगाई जाती है। फसल खाने वाले नर कीड़े इस खुशबू से आकर्षित होते हैं और इस जाल में जाकर फंस जाते हैं। और दूसरा तरीका है ये येलो ट्रैप। फल समझकर कीड़े इस पर बैठते हैं और इस पीले घोल से चिपक कर अपना दम तोड़ देते हैं। ऐसे कई ट्रैप्स होते हैं जिनकी मदद से हमें किसी भी तरह के कीटनाशक खरीदने की जरूरत नहीं। बढ़िया है। तो ठीक है, तो बबलू, माधव, तुम लोग ये जाल जाकर पूरे खेत में लगा दो। जी मैडम जी। मैडम जी हाँ? यहाँ तो पहले से बहुत सारे कीड़े हैं, ये देखिए। एक काम करो हाँ? इन्हें इकट्ठा करो एक जगह। बबलू, वो घड़ा ले आना। लाओ। सर, यहां तो किसानों ने फिर से खेती शुरू कर दी है। सर पांडे, मेरी बात ध्यान से सुनो। खोल इसको। किसानों की फसल की ऐसी की तैसी, अब करो खेती। जितना बच गया बाकी डाल दे, जल्दी कर। ए, कौन है उधर? बैठ बैठ बैठ। अरे कौन है उधर? मैडम जी, क्या हुआ माधव? मैडम जी, खेत में कीड़े लग गए। क्या? चलो। ये देखिए मैडम जी। बबलू, जो घड़े में कीड़े रखे थे वो कहाँ है? चल लेकर आ। माधव, दो तरह के कीड़े होते हैं, एक जो फसल को खाते हैं और दूसरे जो फसल खाने वाले कीड़ों को खाते हैं। ये वो फसल खाने वाले कीड़ों को खाने वाले कीड़े हैं। इसे खेत में डाल दो। हाँ। अब ये तैयार है। हाँ हाँ, थैंक यू।
हाँ रखा है। वाह 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 वाह। अरे रे रे सर देखिए देखिए, मनचाहे तरीकों से मनचाहे दामों पर सब्जियां बिक रही हैं सर, वो भी सरकार की इजाजत के बगैर। रुकिए, आप लोग ये सब्जियां हमारी इजाजत के बिना नहीं बेच सकते, इसका भाव सरकार तय करेगी। हमारी जमीन, हमारे बीज, हमारी मेहनत, हमारा सब कुछ। साहब, इन सब्जियों का भाव हम ही तय करेंगे और हमें किसी की कोई जरूरत नहीं। आप लोग ये गलत कर रहे हो। कुछ गलत नहीं कर रहे। आज के बाद मलकापुर में फसल का भाव सिर्फ किसान तय करेगा, सिर्फ किसान। इन्हें मैं बाद में देख लूंगा। पांडे, ये रहा असल और सूद, लो पकड़ो। और आज के बाद मलकापुर के आस पास भी मत भटकना। अब जाए यहां से। पांडे, एक मिनट। किसान बनूंगा। तुझको पुकारे तू हार न मान रे प्यारे। मिट्टी मिट्टी तेरी मिट्टी मिट्टी तुझको पुकारे तू हार न मान रे प्यारे। अपनी पहचान को तू कैसे छुपा पाएगा, दिल से किसान है तू किसान ही कहलाएगा। अपनी पहचान को तू कैसे छुपा पाएगा, दिल से किसान है तू किसान ही कहलाए। ये पावन धरती तुझको बुलाए, तू क्यों बैठा है यूं नजरें झुकाए। शहर के चक्कर तू छोड़ दे, राह तू चल दे सीधी। धरती तेरी माता है, यही है तेरी निधि। मिट्टी मिट्टी तेरी ये मिट्टी मिट्टी तुझको पुकारे तू हार न मान रे प्यारे। मिट्टी मिट्टी तेरी ये मिट्टी मिट्टी तुझको पुकारे
प्यारे। लगाया तूने उतना न पाया, मेहनत से खेती के पर मूल न पाया। जितना लगाया तूने उतना न पाया, मेहनत से खेती के पर मूल न पाया। आवाज उठा दे तू डर मत प्यार, एक दिन सुनेगी तेरी सरकार। उठ धरती का चीर के सीना, बीज प्यार का बो दे। मेहनत तेरे रंग लाएगी, अपना तन मन खो दे। मिट्टी मिट्टी तेरी ये मिट्टी मिट्टी तुझको पुकारे, तुहार न मान रे प्यारे। मिट्टी मिट्टी तेरी ये मिट्टी मिट्टी तुझको पुकारे,